आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन। जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमारे पास चार जो इसके टाइप होते हैं, फोर टाइप होता है। डेसिमल नंबर वन पे डेसिमल होता है। डेसिमल में हमारे 10 जो है डिजिट आते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और बाइनरी में आपके दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। और जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट होता है। 8 डिजिट में ये आपका 0 से लेकर 7 तक होता है। और जो हेक्साडेसिमल होता है, इसमें 16 डिजिट होता है। 16 डिजिट कैसे होता है? इसमें होता है आपका 0 से लेकर मतलब होता है 9 तक, 10 डिजिट। और 9 के बाद ABCDEF एफ तक होता है। और जो कि टोटल मिलके आपके 16 डिजिट बन जाते हैं। तो अगर हम डेसिमल को लिखे, तो हम डेसिमल को लिख सकते हैं वन, नहीं पहले पहले 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ये हो गया, 0 ये हो गया, आपके पास 10 डिजिट हो गए। बाइनरी में हमारे पास क्या होता है, 0 और 1। डेसिमल के 0 को 0 लिखते हैं, डेसिमल के 1 को 1 लिखते हैं। अगर हमारे पास ऑक्टल की बात की जाए, तो ऑक्टल में हमारे पास आता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 7 और 0 8 हो गया, तो ऑक्टल में 8 डिजिट होता है। बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट आता है। तो वो 16 डिजिट कैसे होते हैं? पहले 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जैसे डेसिमल में, तो आपका 9 के बाद आता है मतलब ना 10। इसमें 9 के बाद ए बी सी डी ई और एफ, आपका 16 डिजिट हो गया। अब ये आपका इसमें होता है प्राइमरी नंबर, आपके डेसिमल में 0 टू 9 हो गया, डेसिमल में 0 9, बाइनरी में आपका 0 और 1 हो गया, ऑक्टल में 0 टू 7 हो गया, हेक्साडेसिमल में आपका हो गया 0 टू F, और ये 16 डिजिट होते हैं। तो इसके बाद जैसे बाइनरी नंबर है, तो इसको आगे कैसे लिखते हैं? जैसे बाइनरी डेसिमल के 1 को 1 बोलते हैं, बाइनरी के डेसिमल 2 को 1 0 बोलते हैं, 3 को 1 1 बोलते हैं, 4 को 1 0 0 बोलते हैं, और 5 को 1 0 1 बोलते हैं, 6 को 1 1 0, और 7 को 1 1 1, ठीक है। और 8 को क्या बोलते हैं, 1 0 0 0, और 9 को 1 0 0 1। अगर हम बात करते हैं अब डेसिमल के 9 के बाद, आपको पता ही, डेसिमल के 9 के बाद 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। परंतु ऑक्टल में 7 के बाद क्या लिखते हैं? ऑक्टल में 7 के बाद आपका 1 0 लिखते हैं। इसमें ऑक्टल में 8 9, इसमें दो जो डिजिट है वो नहीं होते हैं, 8 और 9। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा, फिर 11 12 13 14 15 16 17। अब 7 के बाद यहाँ पे 18 और 19 नहीं लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 20। ऑक्टल में 8 और 9 डिजिट आपका कहीं भी यूज नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके 20 21 से लेकर 27, और उसके बाद 27 के बाद आएगा 30, 31 के बाद आपका 37, और 37 के बाद आएगा आपका 40। इस तरह से आप इसको लिखते जाएंगे। और जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में किस तरह लिखेंगे आप? जब एफ आ जाएगा, एफ के बाद 1 0, और फिर लास्ट में आपका 1 1 के बाद 0, फिर 1 1, फिर वहाँ पे 1 F आएगा, फिर उसके बाद 1 A आएगा, 1 B आएगा, 1 C 1 D, इस तरह से 1 F, इस तरह आपका आगे तक इस तरह आएगा। इस तरह से जो आपका जो नॉर्मल जो डाटा रिप्रेजेंटेशन और डाटा जो लिखा जाता है, मतलब कंप्यूटर के जो न्यूमेरिकल सिस्टम है, वो डेसिमल बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जो हमने अंतर समझाने की कोशिश की, जो इस प्रकार से।
अगली वीडियो में हम जो है बाइनरी डेसिमल को मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल को जो कन्वर्ट कैसे करते हैं ये समझाएंगे। धन्यवाद।